युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। पंजाब में पीएम मोदी के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि आखिर कांग्रेस शासित पंजाब में कैसे सुरक्षा का माहौल बिगड़ रहा है, आतंकी साजिश बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जैसे ज्ञान बांटने वाले नेता मौन है। दंगाइयों पर एक्शन होता है तो राहुल गांधी की पूरी ब्रिगेड संविधान की दुहाई देने के लिए सामने आ जाती है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ पंजाब में साजिश रची जाती है तो सबको सांप सूंघ जाता है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कथित प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर कांग्रेस कैसे भोकाल टाइट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही बताऊंगा पीएम मोदी के खिलाफ रची गई साजिश पर सीएम योगी ने कैसे गुस्से में आ गए और अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पंजाब सरकार पर कैसे हमलावर दिखाई दिए। दूसरी खबर होगी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान की जिसने अखिलेश यादव के सपनों पर पानी फेर दिया है। और आखिरी खबर जुड़ी है चुनाव से पहले सीएम योगी को उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने किसानों को खुश करने का काम किया है। तो शुरू करते हैं आज का भोकाल टाइट। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में जो साजिश रची गई उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अपने डूबते भविष्य को उभारने के लिए कथित प्रदर्शनकारियों का सहारा ले रही है। अगर नहीं तो फिर पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए देश के प्रधानमंत्री की जान के लिए भी खतरा बन सकती है? इसलिए बीजेपी लगातार कांग्रेस की चंडी सरकार पर हमलावर है। जैसे ये खबर आई कि पंजाब में पीएम मोदी एक बड़ी सोची समझी साजिश के शिकार होने से बाल बाल बचे हैं तो तुरंत सीएम योगी भी एक्शन में आ गए। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब सरकार के संरक्षण में हुआ है वो पंजाब में अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है और इसके लिए पंजाब सरकार को माफी मांगनी चाहिए। एक बार आप भी सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। सीएम योगी के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला किया और सवाल किया कि राज्य की पुलिस ने क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री के सुरक्षा के दस्ते को झूठा आश्वासन दिया? कैसे प्रदर्शनकारी उनके काफिले तक पहुंचे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, उन्हें ध्वस्त करना है तो चुनाव में करिए, इस तरह की साजिश रचते हैं तो इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। हमने बार बार कहा नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से, उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं, ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? एक तरफ बीजेपी का हमलावर होना और देश में पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रोश, कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है क्योंकि
पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा, क्या पीएम मोदी का रूट जानबूझकर लीक किया गया? पीएम के पहुंचने से पहले रास्ता कैसे ब्लॉक हुआ और प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चला कि पीएम यहीं से गुजरने के साथ ही पुलिस प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं रोक पाई और पीएम के काफिले को झूठा क्लियरेंस क्यों दिया? भले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के जिम्मे होती है, लेकिन इसमें केंद्रीय एजेंसियां, राज्य की पुलिस भी शामिल होती है। खासकर राज्य की पुलिस का इसमें अहम रोल होता है, क्योंकि पीएम के सभा की स्थल की सुरक्षा, भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी पुलिस पर ही होती है। लेकिन पुलिस तो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय की चुस्की लेते हुए तमाशा देख रही थी, जो साफ करता है कि यह एक सोजी समझी साजिश थी। बकल टाइट की दूसरी खबर है AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी। मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक बकल टाइट करने वाले ओवैसी ने ऐसा बयान दिया कि अखिलेश यादव के सपनों पर पानी फेर दिया। हाल ही में अखिलेश यादव ने दावा किया था कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और वो कहते हैं कि इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अब ओवैसी ने अखिलेश यादव के सपने पर तगड़ा तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के मुसलमान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सपा को वोट नहीं देंगे। अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती, ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं, और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे हैं कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में ये है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरों दीवार को नारे तकबीर और अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी का यह बयान अखिलेश के सपनों पर जरूर पानी फेरने वाला है, क्योंकि जो अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहे हैं, अब उसमें सेंध लगाने के लिए ओवैसी सक्रिय हो गए हैं, जो अखिलेश के लिए बड़ा झटका भी है। लगभग हर रैली में वो बार बार मुसलमानों को अपनी ओर रिझाने के लिए एक ही बात कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए सपा बसपा कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लेकिन AIMIM को एक मौका देकर तो देखें। खैर, ओवैसी के बयानों से बीजेपी को तो खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन सपा को जरूर झटका लगेगा, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम वोटर सपा को वोट करते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात आखिरी खबर की। चुनाव से पहले सीएम योगी ने भौकाली मास्टर स्ट्रोक चला है जो किसानों को खुश करने वाला है और टिकैत गैंग की हवा निकाल देगा। सीएम योगी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने किसानों को बिजली में 50% की छूट देने का ऐलान किया है, यानी कि निजी नलकूप पर आने वाले बिजली बिल में 50% छूट दी जाएगी। इस छूट की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से दी गई है। इस छूट का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड कनेक्शन पर 2 रुपए प्रति यूनिट की जगह 1 रुपए प्रति यूनिट ही चुकाने होंगे। इसके अलावा फिक्स्ड चार्ज में भी छूट दी गई है। अभी तक इस कनेक्शन पर 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर का फिक्स चार्ज लिया जाता है, अब यह दर घटाकर 35 रुपए प्रति हॉर्स पावर होगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में मीटर वाले कनेक्शन पर किसानों को 6 रुपए के बजाय 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली खर्च देना होगा। इस कनेक्शन पर भी फिक्स चार्ज घटा है, अब ये 130 से घटकर 65 रुपए प्रति हॉर्स पावर कर दिया गया है। बिजली बिल पर छूट के लिए किसान लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन अब योगी सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करने का काम किया है।
जो गिद्ध गैंग को एक बड़ा झटका जो किसानों को बरगला रहा था। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।